डालते हैं या ई स्पोर्ट्स का कंटेंट डालते हैं, काफी अच्छा लगता है मुझे वो चीज देख के। मैं 2 साल पहले जब ये चीज शुरू करा था, शायद क्लीन शेव था, आप देख सकते हो दाढ़ी मूछ इतने बढ़ गए हैं। शुरुआत कही थी रॉकी भाई बन के, अब बढ़ते बढ़ते रॉकी मामा हो गया हूं। तो उसी नाते एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि मैं कुछ दिनों से कंटेंट देख रहा हूं ई स्पोर्ट्स में जो मुझे पसंद नहीं आया है, एंड मैं ई स्पोर्ट्स के जितने भी हाईलाइट डालने वाले चैनल हैं या जितने भी बाकी ई स्पोर्ट्स चैनल हैं उनसे एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ। ये कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि जो ये आप लिखते हो ना कि फलानी टीम ने फलानी टीम को टारगेट किया, तो मैं बता दूं टारगेट इज अ वेरी बैड वर्ड। क्लैश लैंडिंग को आप टारगेट का नाम मत दीजिए। अगर निग्मा गैलेक्सी और टोटल गेमिंग का लैंडिंग स्पॉट एक ही है तो आप ये नहीं कह सकते कि गैलेक्सी रेसर्स ने टारगेट किया है टीजी को या सिक्स सेंस ने टारगेट कर दिया देसी गेमर ईस्पोर्ट्स को। इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम एंड इट इज अ क्लैश लैंडिंग। यू कैन नॉट से टारगेट। टारगेट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो जाए इसको जीतने नहीं देना। तो ऑडियंस में इसको लेके एक गलत मैसेज जा रहा है। मैं आप सबसे, जो लोग ईस्पोर्ट्स का हाईलाइट वगैरह डालते हो, मेरे चैनल से डालते हो, किसी से भी डालते हो, आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस मैटर में मुझे आपसे एक थोड़ी सी शिकायत जरूर है कि आप प्लीज ये मत लिखिए थंबनेल पे या टाइटल पे कि यार इस टीम ने उस टीम को टारगेट किया। टारगेट इज अ वेरी बैड वर्ड। क्लैश लैंडिंग बोलो, टारगेट मत बोलो। हाईलाइट एक छोटा मोटा चैनल मेरा भी है, हम लोग कभी नहीं डालते कि किसी टीम ने किसी टीम को टारगेट किया। हम लिखते हैं लास्ट जोन बैटल और दिस टीम वर्सेस दिस टीम, बट उसको कभी टारगेट नहीं बोलते। दूसरी एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि नॉर्मली मैं देखता हूं कई क्रिएटर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, उसने मेरा कंटेंट चुरा लिया, उसने मेरा थंबनेल चुरा लिया एंड ऑल दैट।